तहसील अंतर्गत स्थित कोची बैरेज से जल संधारण विभाग द्वारा 11 मार्च 2023 की रात बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक कन्हा नदी में पानी छोड़ने से कोची बैरेज के पास से खापरखेड़ा बिना भाने गांव तक कन्हा नदी के पात्र में लगी खरबूज की फसल पूरी तरह से बर्बाद होकर खरबूज उत्पादकों पर भूखे मरने की नौबत आ खड़ी हुई है। बता दें कि सावने तहसील अंतर्गत बहने वाली कन्हा नदी के मीठे खरबूजों की मांग बड़े पैमाने पर है और सावनी तहसील के कन्हा नदी के किनारे बसे 52 गांव खापा रामडोंगरी वाकोड़ी किरणापुर बीना भानेगांव खापरखेड़ा चिचोली महदुला दहगांव पारडी वलनी रोहना सिल्लेवाड़ा आदि गांवों के पीड़ित भोई समाज बंधु बड़े पैमाने पर खरबूजों की खेती करते हैं। इस वर्ष भी उक्त पीड़ितों ने अपने अपने गांवों के करीब से बहने वाले कन्हा नदी के पतरे में खरबूजों की खेती कर उसकी देखभाल में जुट गए, लेकिन 11 मार्च 2023 की रात अचानक जल संधारण विभाग द्वारा किसी भी प्रकार पूर्व सूचना न देते हुए कोची डैम के गेट खोल देने से कन्हा नदी के पात्रों में लगी खरबूजों की फसल बहकर पूरी तरह से नष्ट होकर उनकी उपजीविका का प्रश्न निर्माण हो गया। कन्हा नदी के किनारे बसे भोई समाज पर आए अचानक संकटों को देखते हुए पीड़ितों की खरबूजों की फसल के हुए नुकसान भरपाई हेतु करीब सैकड़ों पीड़ितों ने पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष मनोहर कुंभारे जिला परिषद सदस्य प्रकाश खापरे पंचायत समिति सदस्य प्रकाश पराते पीपला डाक बंगला के सरपंच विष्णु कोकरडे आदि के नेतृत्व में उप विभागीय अधिकारी अतुल महत्री को ज्ञापन सौंप कर कोची डैम और सामने जल संधारण विभाग की लापरवाही हुई खरबूजों के फसल के नुकसान भरपाई की मांग की और इस संकट हेतु जवाबदारों पर अपने कर्तव्यों का लापरवाही से पालन करने हेतु उन पर उचित कार्रवाई की मांग की और नुकसान भरपाई शीघ्रता से न दिलाई गई तो तीव्र आंदोलन की चेतावनी दी। इस अवसर पर कन्हा नदी के तट में बसे लगभग सभी गांवों के खरबूजा उत्पादक बड़े पैमाने पर उपस्थित थे। बैरेज में जो संस्थापक है उनकी गलतियाँ है और यही गलतियों को अपने बहुत बड़ी तरीके से हमारे काश्तकारों का यहाँ नुकसान हुआ है। जिस तरीके से उनका नुकसान हुआ है, एक साल भर की उनकी उपजीविका, एक पेट भरने का साधन वो उस समय में उनके 2 या 2.5 महीने का रहता है, तो हमारी सभी लोगों से सरकार से विनती है कि सभी लोगों की तरफ से अच्छा मुआवजा इन लोगों को मिला जाए। मुख्यमान जो इनका जो नुकसान हुआ है और जो पूरी जीविका इनकी साल भर की जीविका और डांगरवाड़ी के ऊपर निर्भर होती है, तो हमारा शासन से यही कहना है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा इनको मुआवजा देना चाहिए। भोई समाज के ऊपर जो संकट है ये संकट नहीं है, उनके ऊपर वो डिपार्टमेंट में किया हुआ अन्याय है, मैं ऐसा ही बोलना यहाँ पे चाहता हूँ। और ये बात जो है कि उनको जो मालूम थी, जो इरिगेशन डिपार्टमेंट जो इनको मालूम थी कि पानी छोड़ने के बाद में इनका नुकसान होने वाला है, फिर भी उन्होंने उनकी परवाह न करते हुए उन्हें वो डैम का पानी छोड़ा और उसके बाद में इनका जो नुकसान हुआ बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। और इनकी जो उपजीविका का साधन है, एकमात्र साधन है जो साल भरे का उनका देवा देवा का खर्चा है वो डांगरवाड़ी के ऊपर चलता है और वो डिपार्टमेंट में ये सरकार के माध्यम से इनके ऊपर जो अन्याय हुआ है वो बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। अगर इनको अगर न्याय अगर 15 दिन में अगर नहीं मिलता है या सब जो भूमि बांधव है वो यहाँ पे अनशन पे बिल्कुल निश्चित तौर पे बैठेंगे। ये बात हमने यहाँ के जो विधायक है, हमारे नेता है सुनील केदार साहब, उनको भी ये बात से हमने अवगत कराया है, वो भी इनके पीठ के पीछे है, वो भी न्याय दिलाने के पक्ष में है और हम बोलते हैं कि 100% इनको न्याय दे के रहेंगे। दिनांक 11 को अपने सावने तालुका के जो कन्हा नदी के किनारे बसे हुए जो गांव है उसमें से कोची से लेकर हमारे खापरखेड़ा भानेगांव तक के जो 17 से 18 गांव है, उस गांव के बहुत से लोग डंगरा का खेती करते नदी के किनारे कन्हा नदी में, लेकिन अचानक कोची बैरेज का पानी बढ़ने से वहाँ से बहुत से लोगों का वहाँ पर काफ़ी नुकसान हुआ है। और अब जो हमारा जो ढीमर समाज की पूरी उपजीविका वो साल भरी की उपजीविका वो डंगरे पे रहती है, लेकिन कन्हा नदी का पानी बढ़ने से उनका काफी नुकसान और साल भरी का उनका बजट बिगड़ गया। इन बीसीएन न्यूज के लिए सावनेर से संवाददाता किशोर ढूंढेले की रिपोर्ट।